तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई एक लो बजट स्ट्रैटेजी दो, यानी कि कुछ ऐसा फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजी जिसमें हम थोड़े से कम बजट में अपना ऐड को चला पाएँ प्लस अच्छे रिजल्ट भी ला पाएँ। ठीक है, तो ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने ऐड सेट में प्लस दूसरे लोगों के लिए जो मैंने ऐड चलाए हैं उसमें इसको यूज़ किया है, ड्रॉप शिपिंग के लिए, प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। ठीक है, और ये ऐड स्ट्रैटेजी बाकी चीज़ों के लिए भी काम करती है, अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो या आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहे हो उसके लिए भी ये काम करती है अच्छी खासी। ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे या थंबनेल देखकर कि हम 500 रुपीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। 500 रुपीज़ का इस्तेमाल करके एक पूरा ऐड स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं ऐड स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा पूरा। ठीक है, माइंड मैप पे आपको ऐड स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और फिर आप वो उसको आप अपने तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, अगर आपको ऐड स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। तो देखो, जो ये स्ट्रैटेजी है 500 रुपीज़ की स्ट्रैटेजी में मैं आपको एक ऐड स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। वो ऐड स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे लिए प्लस मेरे कुछ क्लाइंट्स के लिए, तो आप भी उस ऐड स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर बात यह है कि 500 रुपीज़ का ऐड पर डे के लिए होगा, यानी कि पर डे 500 रुपीज़ आपको स्पेंड करने होंगे, है ना। तो अभी चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि 500 रुपीज़ का ऐड आप कैसे बनाओगे, यानी कि जो ऐड स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा 500 रुपीज़ ऐड के लिए। तो देखो भाई, जो हमारा 500 रुपीज़ का हम ऐड चलाने वाले हैं वो किस तरह चलाने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप कैंपेन क्रिएट करोगे, एक कैंपेन क्रिएट करोगे जो कि होगा CBO। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको CBO के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, CBO में क्या होता है कि अगर आप जैसे नॉर्मली जब आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग में क्या करते हो, आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो, उसके अंदर एक एडसेट क्रिएट करते हो और उस एडसेट के अंदर फिर आप अपना जो टारगेटिंग वगैरह होता है वो सब चीज़ें करते हो और फेसबुक उस एडसेट में अपना पैसा लगाता है। लेकिन जब आप CBO करते हो तो CBO में क्या करता है, जैसे मान लो कि इस जगह पर आपने 500 रुपीज़ का CBO लगा दिया, अब फेसबुक क्या करेगा, आप ये तीन एडसेट बनाए हो अभी इसके बारे में बात करेंगे, फेसबुक 500 रुपीज़ में इसे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस 500 रुपीज़ को, यानी कि 500 रुपीज़ को फेसबुक इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आप यहाँ पर फेसबुक के ऊपर छोड़ सकते हो कि फेसबुक इन तीनों एडसेट में कितना पैसा डाले, या फिर आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि भाई 500 में से इस एडसेट पे आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाओगे, इस एडसेट पे आप 300 से ज़्यादा नहीं लगाओगे और इस एडसेट पे आप 200 से ज़्यादा नहीं लगाओगे। ऐसे आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर छोड़ दो कि फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड करे कि कितना पैसा उसको किस एडसेट में डालना है। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है, आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है जो कि होगा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे 500 रुपीज़ का। ठीक है, उसमें हम अपने तीन एडसेट क्रिएट करेंगे, यानी कि एक एडसेट, दो एडसेट और तीन एडसेट डुप्लीकेट करना होगा आपको एडसेट को। एक पूरा एक ऐड स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अपने ऐड से एक एडसेट आपने क्रिएट किया उसको डुप्लीकेट करो। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही है कि कैंपेन के अंदर आप कैसे तीन एडसेट क्रिएट करोगे या फिर ऐड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ये एक एडसेट बनाया, एक एडसेट ये बनाया और एक एडसेट ये बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एडसेट में एक इंटरेस्ट रखेंगे, इस एडसेट में एक इंटरेस्ट रखेंगे और इस एडसेट में एक इंटरेस्ट रखेंगे। देखो, जो भी हमारा एडसेट है उसके अंदर जो भी हम टारगेटिंग करते हैं उस टारगेटिंग के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यानी मान लो अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, कोई प्रोडक्ट है आपका, और आप उसी एडसेट के अंदर सारे जितने इंटरेस्ट है सारे इंटरेस्ट डाल दोगे तो फेसबुक भी कन्फ्यूज हो जाएगा, यानी कि राइट ऑडियंस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर मान लो इसी एड सेट में आपने बहुत सारे इंटरेस्ट डाल दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट, तो भैया वो फेसबुक को भी डिफिकल्ट होगा कि एक राइट ऑडियंस खोजना जो आपके प्रोडक्ट या आपका जो भी चीज़ है उसको एक राइट ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो जो भी एड सेट है आप उसमें सिंगल इंटरेस्ट रखो। अगर सिंगल इंटरेस्ट में आपकी ऑडियंस कम आ रही है तो थोड़ा सा मल्टीपल इंटरेस्ट कर सकते हो। प्लस अगर आप शॉपिफाई के लिए काम कर रहे हो, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आप इसमें इंगेज ड्रॉप शिपर वगैरह, इंगेज शॉपर और ये सब चीज़ें आप अलग रखो, मतलब उसमें डाल सकते हो। प्लस जो आपका एक बेसिक इंटरेस्ट होगा, जो जिस इंटरेस्ट पे वो आपका प्रोडक्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट यहाँ पर आप ऐड करो। ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्ट रहेगा, इसमें एक इंटरेस्ट रहेगा और इसमें इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि तीन एडसेट, तो तीन इंटरेस्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तीन इंटरेस्ट हो गया। प्लस अगर आप वो इंगेज शॉपर वगैरह वो सब डालना चाहो ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आप डाल सकते हो। अगर आप कुछ आपने किसी और अलग प्रोडक्ट के लिए काम करो तो वो उसके लिए भी ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो तीन एडसेट हमने क्रिएट कर लिए, एक CBO कैंपेन, उसके अंदर तीन एडसेट। अब इस एडसेट के अंदर हम दो ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐड वन और ऐड टू, दोनों ऐड हम क्रिएट करेंगे और ऐड क्रिएटिव हम सेम रखेंगे यहाँ पर। इसका भी ऐड क्रिएटिव सेम रहेगा, इसका भी ऐड क्रिएटिव सेम रहेगा। ठीक है, एडसेट वन में एक इंटरेस्ट के साथ ये दो ऐड चल गए। अब यहाँ पर फेसबुक क्या करने वाला है, फेसबुक अब मैं बताता हूँ, पहले एडसेट टू में भी आपने क्या करेंगे, हम दो ऐड क्रिएट करेंगे और एडसेट थ्री में भी हम दो ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये सारे जो ऐड क्रिएटिव हैं आप सेम ही रखो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। या आप ये काम ये कर सकते हो कि आप कुछ ऐड्स को चेंज कर सकते हो, यानी मान लो इसी में अगर आप चेक टेस्ट करना चाहो तो आप एक और ऐड क्रिएट कर लो इसी में, और अलग जो आपके पास अगर आपको लगता है कि आपका एक और ऐड क्रिएटिव है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है तो उसके लिए आप एक और ऐड यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, अब आप
फेसबुक अब यहाँ पर करने क्या वाला है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो फेसबुक क्या करेगा कि भाई यहाँ पर आपने 500 रुपीज़ दे रखे हैं फेसबुक का, अब फेसबुक क्या करने वाला है, फेसबुक उस 500 को इन तीनों एडसेट में डिवाइड करेगा अपने हिसाब से। उसके बाद ये तीनों एडसेट रन करेंगे, फिर जिस एडसेट में, अब ये तीनों एडसेट रन कर रहे हैं, अब इस एडसेट में जैसे दो ऐड है ठीक है, तो फेसबुक क्या करने वाला है इन दोनों ऐड पर फेसबुक पैसा डालेगा। अब इन दोनों ऐड में जो बेहतर परफॉर्म करेगा ठीक है उस ऐड पर ज़्यादा पैसा लगेगा। इन जैसे मान लो वन वाला ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वन वाले ऐड पे फेसबुक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है ठीक है, टू पे नहीं करेगा उतना, और एडसेट वन पे जो पैसा लग ही रहा है। अब सेम काम यहाँ पर एडसेट के साथ भी होगा, यानी कि फेसबुक इन तीनों को पैसे देगा, अब इन तीनों में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस पे फेसबुक ज़्यादा पैसे लगाएगा, और जो एडसेट कम परफॉर्म कर रहे होंगे, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उन पे फेसबुक पैसा नहीं लगाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फेसबुक आपके लिए काम कर रहा है कि भाई वो एडसेट खोज रहा है कि कौन सा एडसेट आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा एडसेट आपके लिए काम नहीं कर रहा है ठीक है। तो अब यहाँ पर 500 रुपीज़ में आपने एक दिन आप ऐड चलाओगे, दो दिन आप ऐड चलाओगे, अब दो दिन के अंदर आपको वहाँ पर रिजल्ट दिख जाएगा कि भाई कौन सा ऐड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एडसेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एडसेट आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ठीक है। ब्रेक इवन तक आप जाओगे, ब्रेक इवन के बाद अगर आपको कहीं लॉस हो रहा है तो उस एडसेट को आप बंद कर दो, और अगर पहले दिन में आप जब आप ऐड चलाते हो और पहले दिन में आपको कोई भी सेल नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपने इंटरेस्ट को चेक करो, आपका जो पेज है उसको चेक करना कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि फिर दिक्कत आपके एंड पे होगी, यानी बैक एंड पे कुछ दिक्कत होगी, हो सकता है आपका पेज काम ना कर रहा हो, वेबसाइट का जो पेज है वो काम ना कर रहा हो, या फिर हो सकता है आपने जो इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रखी है वो गलत कर रखी है, लोग उसमें इंटरेस्ट उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर तीन एडसेट क्रिएट किए हैं, अब तीन एडसेट में फेसबुक अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा कि भाई कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे करके आपको एक विनिंग एडसेट भी मिल जाएगा, प्लस एक टारगेट ऑडियंस आपको पता चल जाएगी कि इस टारगेट ऑडियंस पे, पर्टिकुलर इस टारगेट ऑडियंस पे मेरा जो ऐड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगी तो आप उसी से रिलेटेड अलग अलग ऑडियंस भी खोज सकते हो, प्लस इसी एडसेट को आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, यानी कि सेम इंटरेस्ट पे आप दोबारा से एक और कैंपेन क्रिएट करके या एक और एडसेट क्रिएट करके सेम इंटरेस्ट पे आप ऐड को रन कर सकते हो, और देख सकते हो क्या तब भी वो चीज़ उतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्लस उससे रिलेटेड आप और इंटरेस्ट को भी टारगेट कर पाओगे, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि ये वाला इंटरेस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन आप उस इंटरेस्ट में ज़्यादा फोकस कर पाओगे ठीक है। तो ये आपका जो 500 रुपीज़ वाला कैंपेन ने बताया है वो आप इस तरह से काम करोगे। अब देखो यहाँ पर हो सकता है लोग कहे कि तीन एडसेट या चार एडसेट हम क्रिएट करें, तो 500 रुपीज़ में आप थ्री एडसेट ही क्रिएट करो, चार एडसेट तक आप जा सकते हो, लेकिन आप थ्री एडसेट तक ही रखो अगर 500 रुपीज़ का आपका बजट है। अगर आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करो, यानी कि इस एडसेट को और इंक्रीज़ कर लो, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो आप अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना बजट इंक्रीज़ मत करो इनिशियल टेस्टिंग में, आप 500 से या फिर 800 या 1000 से आप चेक कर सकते हो, तो थोड़ा सा इसको बजट को इंक्रीज़ कर दो, और फिर आप अपने यहाँ पर एडसेट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो बहुत कम बजट रहेगा अगर आप यहाँ कम बजट रखते हो, प्लस एडसेट आपने बहुत सारे लगा दिए, तो फिर मे बी यू नो दिक्कत हो सकती है फेसबुक के लिए। तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हो वैसे, लेकिन मेरे लिए वो काम नहीं किया है तो मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो द थिंग इज़ कि आप यहाँ पर अगर इसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज़ कर दो, बट यहाँ पर हम 500 रुपीज़ ऐड की बात कर रहे हैं, तो 500 रुपीज़ ऐड के लिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है ये स्ट्रक्चर बेस्ट वर्क करता है ड्रॉप शिपिंग के लिए भी, और प्रिंट ऑन डिमांड के लिए भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ठीक है। अगर आपको फेसबुक एड से रिलेटेड कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है। और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है कि ये एड स्ट्रक्चर कैसे बनना है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको काम करना है ठीक है। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और अगर आप अभी सब्सक्राइब कर रहे हो तो भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।